ली है इस टाइम। तो देखिए इस टाइम तो देखिए उतर देख रहे हैं आप लोग, तो देखिए यहाँ क्योंकि यहाँ पे हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना राजस्थान में, और जो आजकल से नैनीताल के वेदर को उसमें टूरिज्म को उसमें, और तकरीबन 3 घंटे से बोट्स बंद थी, अब चली है, मैं दिखाने वाला बोट्स भी बंद थी और क्या कारण है। तो देखिए कितनी पब्लिक यहाँ पर आ गई, चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज ब्लॉग मेरे ब्लॉग में, बने रहे इसके मत देखना, ये तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पर आ चुका हूँ नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक के पास, और बिल्कुल भी बोट्स नहीं चल रही है, पर ये देखिए बिल्कुल कोई भी बोट्स नहीं चल रही है। और क्यों नहीं चल रही है इसका रीज़न मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि एनसीसी वालों की यहाँ पर रेस होने वाली है, वहाँ से रेस होने वाली है, तो देखते हैं कैसी रेस होने वाली है ये। तो आज इधर की पूरी नैनीताल में इधर लेक में बोट्स बंद है, लेकिन जो पर्यटक है अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से ये, और भीड़ भी कम हो रही है, ज़्यादा नहीं है भीड़, तो इस तरीके से। और नैनीताल का वेदर देख सकते हैं पूरा ही नीला आसमान है ये। और मैं आपको बता दूं कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, कि इस वजह से नहीं आया था कि कल मेरी तबीयत खराब हुई थी, बुखार वुखार आ गया था थोड़ा, तो कल मैं नीचे नहीं उतरा था, हालत भी नहीं हो रही थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था नीचे आने का, तो मैंने सोचा आज तो आना ही है, तो व्लॉग तो देना ही है, ज़्यादा गैप नहीं करना है। तो फिलहाल आप देख सकते कुछ इस तरीके से है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक ये, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए लोग खड़े हुए हैं बोटिंग करने के इंतज़ार में, लेकिन बोटिंग अभी पूरी बंद है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए चलते उधर की तरफ ही, और वहाँ देखते हैं वहाँ जाने की अनुमति है या नहीं है, कैसा वहाँ पे तैयारी चल रही है इस टाइम। तो देखिए इस टाइम में ठंडी सड़क आ गया, और ठंडी सड़क से इस तरीके से नज़ारा एनसीसी वालों को, नेवी, तो जो नेवी के कैडेट है वहाँ पर उन्होंने वो लगा रखा है, यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और यहीं से रेस होने वाली है, ये जो है खड़ी के सामने, अब रेस कैसी होगी ये नहीं पता, क्योंकि बोट्स भी बिल्कुल नहीं चलनी है, जैसे मैंने अभी आपको उधर से दिखाया था बिल्कुल बोट्स बंद है। और देखते ये है ठंडी सड़क, और ठंडी सड़क में लोग आवाजाही तो कर ही रहे हैं, क्या पता थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं आप कितनी देर के लिए ये बंद होता है, और कितनी देर में रेस शुरू होती है, थोड़ा सा वो आपको दिखाऊँगा मैं। और घर से मुझे पता चल ही गया था कि ये यहाँ पूरी बोट्स बंद हो चुकी हैं, और कुछ होने वाला लेक में। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ये सामने यहाँ पे ना रेस होने वाली है, और जो हमारे राजपाल सर महोदय हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली है, और ये जो वीआईपी लोग हैं वो बोटिंग करने निकल चुके हैं जैसा आप देख रहे हैं ये। तो कुछ इस तरीके से कुछ ही बोट्स नज़र आ रही हैं लेक में, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और देख सकते हैं आप लोग सामने रेस शुरू हो चुकी है, ये देख रहे हैं आप लोग, और अभी जो है येलो कलर की जो उसमें एक वो आगे निकल चुकी है, और रेड पीछे रह चुकी है, ब्लू उसके बगल में है, तो ये रेस शुरू हो गई है आप देख रहे हैं सामने। तो इस तरीके से रेस शुरू होते हुए, और ये लोग आगे निकल चुके हैं येल्लो वाले, देख रहे हैं आप लोग, तो ये बहुत बढ़िया रेस हो रही है इस टाइम, और काफ़ी जोर मज़ेदार रेस है ये, और सामने पीछे राज्यपाल सर भी आ रहे हैं। तो ये लोग दोबारा आ चुके हैं, रेस का पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये देखिए कायाकिंग सामने एनसीसी के बच्चे चलाते हुए, ये देख रहे हैं आप लोग सामने,
तो रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं कि बोटिंग कितनी देर में चालू होती है, क्योंकि पर्यटक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बोटिंग का। तो उसको मैं दिखाता हूँ कि कितनी देर में बोटिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए इस टाइम में फुटपाथ में और फुटपाथ में कुछ इस तरीके से क्राउड है। अभी हो रही थी रेस नेवी वालों की और राजपाल महोदय जी आए, फिर रेस हुई, फिर वो ख़त्म हुई, फिर अब जाके फिर अब चलेंगी बोट्स। तो तकरीबन 2-3 घंटे से बोट्स बंद थी इसी कारण से, क्योंकि रेस हो रही थी। और पहुँच चुका फुटपाथ, तो फुटपाथ में कुछ इस तरीके से क्राउड है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और उधर चल रहा हॉकी मैच, तो अभी हॉकी मैच भी देखते हैं उधर से। और जो फुटपाथ का समय है 5 बजे से है, तो 5 बजे से दुकानें खुलेंगी। तो यह है कुछ फुटपाथ का नज़ारा। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए उधर ही आ गया हूँ मैं दोबारा से, और बोट्स जो चलने लगी हैं, और एकदम से इतनी बोट्स निकल चुकी हैं, देखिए सारी बोट्स चलने लगी हैं। इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे लोग, बाकी सब तो ये देख सकते हैं आप लोग। और 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद तो अब चली हैं बोट्स। एकदम से लोग मतलब बोटिंग करने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं करने के लिए। तो देखिए मैं था उधर की तरफ, उधर से अभी चली रही है बोट्स के लिए। तो देखिए इधर कितनी पब्लिक आ गई है बोटिंग करने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से एकदम से पर्यटक उमड़े हैं बोटिंग करने के लिए। तो उतनी सी रेस के लिए पूरी बोट्स बंद, और फाइनली अब चलिए देखिए, देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से बोट से चल रही है। अब पब्लिक देखिए भाई साहब, पब्लिक कितनी आ गई है यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। तो पब्लिक कब से इंतज़ार कर रही थी और बैठी थी भाई, रुक जा यार। तो ये देखिए जिस तरीके से पब्लिक और पूरी लेक समय बोटिंग। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसा हो गया बोटिंग के लिए, बिल्कुल खचा खच हो गया पूरा मामला। बोट्स भी सारी एकदम चली गई, पानी का लेवल देख सकते हैं आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ इस तरीके से बोटिंग करते हुए लोग। तो ये देख सकते हैं, और इसके आगे गड्ढा है, मतलब इसके आगे जाएंगे तो फिर हम समझ लो कहानी, यहीं तक जमीन नजर आ रही है बस। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से पर्यटक बोटिंग करते हुए नजर आ गए। तो सब जा रहे हैं बोटिंग करने।
यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए कुछ इस तरीके से एकदम से लेक में भीड़ हो गया, और ये देख सकते हैं आप लोग पूरी अब बोट से चलने शुरू हो गई हैं। जहाँ से बोट स्टैंड है हर जगह से बोट चलना शुरू हो गई हैं, और ये देख सकते हैं सारी कुछ इस तरीके से पर्यटक नज़र आ रहे हैं। देखिए कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बोटिंग करने जा रहे हैं, और वो वहाँ पर मछली पकड़ने, जबकि मछली पकड़ना मना है, सामने चालान कट जाएगा अगर देख लिया जाएगा तो इनका। और फुटपाथ में कुछ इस तरीके से भीड़ है देखिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भीड़ है फुटपाथ में। तो अब चलते हैं। तो फुटपाथ का जो समय है 5 बजे से है, 5 बजे से यहाँ पे दुकानें लगेंगी ये, तो अभी तो दुकानें नहीं लगी हैं। तो अब चलते हैं हॉकी मैच देखने, हॉकी मैच देखते हैं। और फिलहाल कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़ फुटपाथ में। तो देखिए यहाँ पे चल रहा हॉकी मैच, और एकदम से मेरे बगल में बॉल आई, तो भैया यहाँ तो खड़ा होना भी रिस्क है, तो खड़े भी नहीं हो सकते यहाँ पे। और जो गोलकीपर होते हैं ऐसे होते हैं देखिए। और ये चल रहा हॉकी मैच, तो ऊपर ही चलते हैं भैया मस्जिद के ऊपर, वहीं से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना रिस्क है बहुत, क्योंकि बगल बॉल ना इसकी होती है तो एकदम से बॉल निकल के गई। तो देखिए इस तरीके से चलता है। तो चल रहा हॉकी मैच देखिए, और ये चल रहा ऑल इंडिया। तो जैसा आपने देखा बोटिंग रेस हुई नेवी के द्वारा, और हाई स्कूल में 9th और हाई स्कूल में मेरी भी नेवी थी, तो हमारे जो राजपाल महोदय जी हैं वो आए, उसके बाद फिर बोटिंग हुई, उन्होंने बोटिंग करी और फिर रेस हुई, उसके बाद फिर बोट्स चली, और नीचे इतना कीचड़ हो रही है तो इसलिए मैं नीचे देखते पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कीचड़ है। और उधर चल रहा है हॉकी मैच, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉकी मैच कैसे चलता है। और व्लॉग में मज़ा आया होगा तो व्लॉग को शेयर करना, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और तेज़ धूप है इस टाइम। तो चलिए थोड़ा सा हॉकी मैच दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो को एंड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।